बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ग्रीन कढ़ाई। वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ही कर दें। तो हमने यहाँ पे चिकन ले थी, चिकन 1 kg हमारे पास और चिकन हमने लेग मिली। अगर आप मिक्स चिकन लेते तो वो भी चलेगी, कोई बात नहीं। और हमने धनिया और पुदीने का पेस्ट ले लिया, हरी मिर्चों का पेस्ट है हमारे पास, लेमन जूस है, अदरक लहसुन का पेस्ट और हमारे पास है कढ़ाई मसाला। अब हमने लिए थे चिकन के लेग पीस, तो लेग पीस को हम कट लगा लेंगे। कट लगाने से ये होगा कि जो मसाला हम लगाएंगे वो अंदर तक इनके जाएगा और ये जूसी हो जाएंगे। अगर आप दूसरी चिकन लेते हैं, मिक्स चिकन लेके जिस तरह कढ़ाई बनाते हैं, तो आप कट भले ही ना लगाएं, लेग में भी अगर आप चाहें लगाएं, नहीं तो आप छोड़ दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि कट लगाना ही है। हमने चिकन के सारे पीसेस में कट लगा लिए। अब मैंने एक बोल में रख देंगे और अब हम इसमें डालेंगे धनिया और पुदीने का जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। हरी मिर्च होती है थोड़ी तीखी है, तो हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद हम बस लेमन जूस था वो डाल देंगे, 2 चम्मच के करीब होगा लेमन जूस। और फिर इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 चम्मच होगी, ये इसमें डाल देंगे। और फिर आखिर में हमारे पास कढ़ाई मसाला था, 1 चम्मच हमने कढ़ाई मसाला इसमें डाल देना है। और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यानी मैरिनेट करेंगे और कुछ टाइम के लिए इसे हम छोड़ देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, 1.5 घंटे के लिए तकरीबन। और अब हम कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम करने के बाद जो हमारा मिक्सर था वो इसमें डाल देंगे और मिक्सर डालने के बाद अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। चिकन को हमें तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है, ना ज़्यादा हाई रखनी है फ्लेम और ना ज़्यादा लो। मीडियम फ्लेम पे इसे हमने अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये कलर अपना चेंज ना करे, इसे हमने भूनते रहना है। यहाँ पे इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। फिर हम इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब हम इसका कवर हटाएंगे तो इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल अलहदा होने लगे, यानी कि हमारी जो चिकन है वो बिल्कुल डन होने वाली है। अब हम इसे लगाएंगे कोयले का दम। दम लगाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद कोयला। कोयले को हम गर्म कर लेंगे और फिर उसे किसी बर्तन के अंदर रख के इस तरह कढ़ाई के अंदर रख देंगे। और फिर ऊपर से हमने ऑयल डाल लेना या घी डाल देना जो आपके पास मौजूद हो, डाल के इसको कवर कर देना अच्छी तरह से ताकि जो इसका धुआं है वो बाहर ना आए। और कवर हमने इसका तब हटाना है जब इसका जो धुआं है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। धुआं इसका ख़त्म हो गया और यहाँ पे हमारी जो ग्रीन कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। ग्रीन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हमने उसमें थोड़े से ऊपर से गार्निश के लिए अदरक डाल दी थी और धनिया पुदीना। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।